Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello guys, welcome to Khyati Classes. Khyati Classes लेकर आइए exercise 2.2 part number 3. आइए देखते हैं question number 7. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888. फाइंड द मल्टीपल्स. यानी ये कह रहा है कि 8 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं. पहले तो 8 का मल्टीपल्स तो अपने पास 8, 16, 24 होता है. क्या होता है? 24 होता है. और इसका कहा है कि उनका सम करने पर क्या आंसर आएगा? 888 आएगा. यानी ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो देखना. लेट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स. माना कि पहला नंबर कौन सा है, अपना एक्स है. और मल्टीपल्स की बात करिए तो यानी सेकंड नंबर यहां पे लिखेंगे, सेकंड नंबर. इसने क्या कहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लिखने. पहला नंबर x है तो दूसरा कौन सा होगा, x प्लस e, x प्लस e. और थर्ड नंबर कौन सा होगा आपके सामने, थर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x प्लस 8. और यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 8 के बाद कौन आता है, 16. तो यहां क्या लिखेंगे, 16. तो अपने को तीनों नंबर निकालने हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर. अब इन तीनों को एड करने पर कितना आता है, 888 आता है. तो तीनों को अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, यहां पे सम करना है. यानी फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस 8, थर्ड नंबर x प्लस 16 इज इक्वल टू यहां पे क्या लिखेंगे, 888. अब क्या करेंगे मित्रों, तो यहां ध्यान रखना, अब x x को जोड़ देंगे, x x x कितने हो गए यहाँ पे, 3x. 8 प्लस 16 कितना हो गया, 24 इज इक्वल टू 888. अब क्या होगा यहाँ पे, 3x जब 24 यहां चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 888 माइनस 24. तो यहां पे माइनस करें अपन, कितना आएगा देखना, 3x इज इक्वल टू 8 में से 4 गया यानी 4, 8 में 2 गया 6 और 864. यानी x इज इक्वल टू कितना होगा, 864 अपॉन 3 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, 3 टू जा 6, 2 बच गया तो 26. अब 3 की टेबल में 26 कब आएगा, तो 26 तो नहीं आएगा, 24 आता है. तो अब हम बोलेंगे 3 8 जा 24 और 2 बच गया तो 24 और फिर क्या आएगा, 8 टाइम यानी 288. तो अपने पास x की जो वैल्यू आ गई 288. और इसे क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, अपने को फाइंड द मल्टीपल्स निकालने. तो फर्स्ट नंबर कौन सा था अपना, यहां पे फर्स्ट क्या था, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 288. फर्स्ट नंबर कौन सा आ गया, 288. अब अपने को निकालना था सेकंड नंबर. क्या निकालना है मित्रों, सेकंड नंबर निकालना है. तो सेकंड नंबर क्या था, x प्लस 8, x प्लस 8 यानी x कितना अपने पास, 288 प्लस 8, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कितना हो गया, 16, 9 और 296. दूसरा नंबर कौन सा आ गया, 296. थर्ड नंबर निकालना है तो थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर होगा x प्लस 16. x कितना अपने पास, 288 प्लस 16. अब 8 6 इतना हो गया 14, 1 कैरिंग और 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1 कैरिंग यानी 304. तो आपके सामने तीनों नंबर यहां पे आ गए हैं. तीनों मल्टीपल्स कौन कौन से आए, 288, सेकंड 296 और थर्ड 304. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या कह रहा है. थ्री कंसेक्टिव इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4. यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए और यानी क्या हो रहा है, लगातार नंबर होंगे, लगातार. जैसे x, x प्लस 1, x प्लस
टू, इस तरह से तीनों नंबर क्या होंगे, थ्री कंसेक्टिव नंबर जो होंगे आपके वो होंगे x, x प्लस वन, x प्लस टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए मैंने लिखा इंक्रीजिंग, यानी x प्लस वन कर दिया और x प्लस टू कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई टू थ्री फोर, और उनको मल्टीप्लाई करना है टू से, थ्री से, फोर से, और उसके बाद कह रहा है रेस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74, उन सबको जोड़ने पर रिजल्ट क्या होगा 74 होगा, तो फाइंड दिस नंबर, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी एक्स प्लस वन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहां पे थर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। अब क्या कह रहा है कि टेक इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई टू थ्री एंड फोर रेस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74, यानी फर्स्ट नंबर अपने पास क्या है x, सेकंड कौन सा है x प्लस वन, थर्ड नंबर कौन सा है x प्लस टू। अब ये कह रहा है टू थ्री फोर से मल्टीप्लाई करना, यानी इसको किससे करेंगे टू के साथ, और इसको करेंगे अपन थ्री के साथ, और इसको करेंगे अपन फोर के साथ, यानी ये कह रहा है कि एड, तो इन सबको क्या कर देंगे एड कर देंगे, और किसके बराबर है 74 के बराबर है, ठीक है। तो यहां लिख देना आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना 2x प्लस, अब यहां 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ करेंगे, तो देखना यहां पे 2x प्लस 3 मल्टी x यानी 3x, 3 मल्टी 1 यानी 3, 4 मल्टी x यानी 4x, और 4 मल्टी 2 यानी 8 इज इक्वल टू 74। अब देखना x की वैल्यू, यहां पे देखो x की वैल्यू ये है 2x, 3x, 4x कितना हो गया 5 और 4 9x, ये कितना हो गया 9x, प्लस नंबर वाले कितने 3 और 8 कितना हो गए यहां पे 3 और 8 11 हो चुके, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 74। अब यहां क्या करेंगे आगे 9x इज इक्वल टू 11 यहां चला जाएगा, इसलिए माइनस 74 माइनस 11, तो 9x इज इक्वल टू क्या आएगा देखना, 4 में से 1 गया तो 3, 7 में 1 गया तो आपके सामने क्या आएगा 6, 63, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 63 अपॉन 9, 9 के टेबल में 63 का बताए 7 टाइम, यानी x इज इक्वल टू 7। तो यहां लिखेंगे अपने क्या चाहिए था यहां पे 3 कंसेक्टिव इंटीजर कौन कौन से हैं, तो अपने को पता चल जाएगा फर्स्ट नंबर, यहां लिखूंगा फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या था अपने पास x प्लस वन, तो x प्लस वन इज इक्वल टू लिखेंगे 7 प्लस वन बराबर 8। फिर थर्ड नंबर कौन सा होगा अपने पास, थर्ड नंबर होगा x प्लस टू, यानी x कितना है 7 और 2 को जोड़ देंगे यानी 9, तो तीनों नंबर कौन कौन से हैं यहां पे 7, 8 और 9, 7, 8 और 9, तो यही आपका क्या है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने कर दिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन देयर रेशो 5:7, यानी उनके एज का जो रेशो दे रखा है राहुल और हरुण का 5:7, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज विल 56 ईयर, यानी 4 साल बाद और दोनों में क्या करना है सम करना है, तो उनका रिजल्ट क्या होगा 56 ईयर होगा, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अब किस तरह से लिखना है और करना है देखना, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे अपन सॉल्यूशन, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे ध्यान रखना, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे एज ऑफ, क्या लिखेंगे एज ऑफ राहुल रेशो हरुण क्या है 5:7, ये आपको लिखना है सबसे पहले, ठीक है, राहुल रेशो हरुण इज इक्वल टू 5:7। फिर यहां पे बात करेंगे लेट, माना कि प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, और यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, ठीक है,
प्रेजेंट एज यानी 5x, यहां क्या कर देंगे 5x और यहां हरुण का क्या कर देंगे 7x। दोनों में दिख रहा है कि बड़ा कौन है, हरुण बड़ा है, ठीक है। अब यहां करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा है कि फोर ईयर लेटर, क्या कहा है, फोर ईयर लेटर यानी क्या करेंगे राहुल, और कौन था यहां पे राहुल के साथ फोर ईयर लेटर है, राहुल प्लस फोर, और यहां पे क्या रेशो बन जाएगा फिर नया, यहां बन जाएगा हरुण प्लस फोर और बराबर, और इसने क्या कहा है सम, क्या कहा है सम, यानी यहां पे क्या लगा देंगे सम कर देंगे, और किस क्या कहा है देयर एज विल बी 56 ईयर, यानी 56 क्या हो जाएगा 56। तो राहुल की क्या है यहां पे रेशियो अपना देखना है तो 5x प्लस 4 प्लस हरुण प्लस 4, यानी हरुण कितना है 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56, यानी टोटल कितना हुआ देखना 5x 7x कितना हो गया 12x, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, और यहां पे कितना टोटल 56, तो यहां पे हो जाएगा 8 यहां पे आ जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, यानी कितना बच गया 12x इज इक्वल टू 48, यानी यहां लिख रहा हूं मैं x इज इक्वल टू 48/12 क्या हो जाएगा 48/12, 12 की टेबल 48 कब आएगा तो 4 टाइम। अब उनकी एज देखेंगे तो राहुल का क्या रेशो था, राहुल इज इक्वल टू 5x और यहां पे कौन था एक हरुण 7x, यानी x कितना आया था अपने पास 4, तो यहां क्या करेंगे 5×4 और यहां करेंगे 7×4 कि यहां दोनों की एज क्या आएगी 5×4=20 क्या हो गया 20 ईयर, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे 20 ईयर और ये हो जाएगा 7×4=28 तो यहां पे लिखेंगे 28 ईयर। तो दोनों की एज निकालनी थी, आर देयर प्रेजेंट एज, यानी राहुल और अरुण की प्रेजेंट जो एज है वो आपके सामने आ गई 20 ईयर और 28 ईयर। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो मित्रों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, वहां पे क्या था राहुल और हरुण था, यहां बॉयज एंड गर्ल्स है, इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5 द नंबर ऑफ बॉयज इन 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। देखना किस तरह से लिखना कैसे करना है उसको समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे द नंबर ऑफ बॉयज एंड कौन है यहां पे गर्ल्स, ठीक है। क्या है यहां पे रेशियो क्या दे रखा है आपको 7:5, क्या दे रखा है 7:5, ठीक है। अब यहां लिखेंगे लेट, माना कि क्या लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज और लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज यहां पे क्या है 7 है तो 7x और गर्ल्स है तो यहां पे 5x, यहां पे लिखेंगे फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज का मतलब यहां क्या लगाएंगे इक्वल लगाएंगे, क्या लगाएंगे इक्वल, क्या लिखा है 8 मोर देन, क्या कह रहा है 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितना है अपने पास 7x और 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है यहां पे 5x और साथ में किसको जोड़ देंगे 8 को, यानी क्या आंसर आएगा देखना अब 5x यहां आ जाएगा यानी क्या हो जाएगा 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8 और 7x में 5x चले गए यानी आपके सामने क्या आएगा यहां पे 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/2, 2 की टेबल में 8 कब आएगा 4 टाइम, यानी x कितना आ गया 4। अब क्वेश्चन में क्या कहा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी टोटल निकालनी अपने को
यानी टोटल के लिए क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू क्या करेंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स। तो यहां पे ध्यान रखना, बॉयज बॉयज कितने हैं अपने पास, 7x, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 × x कितना है था 4, यानी कितना हो गया 7 × 4 = 28, और गर्ल्स यहां पे जो दे रखी है आपको 5x, यानी 5 × 4 = 20, यानी क्या हो जाएगा, तो यहां पे जोड़ देंगे अपन 28 + 20, यानी कितना हो गया 48, यानी टोटल अपने पास जो क्लास के स्टूडेंट है यानी स्ट्रेंथ जो है पूरे टोटल गर्ल्स और बॉयज मिलकर वो है 48। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप आराम से लीजिए और उसको उतार भी लीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, चारों क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट किए। जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने कंप्लीट करेंगे, तो उसको भी देखना नहीं भूले। तो वीडियो अच्छा लगा है मित्रों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।